मैं अपना कुरान डिस्प्ले में फेंका क्योंकि मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ। क्या आप एक जिम्मेदार शहरी हैं? नाइस, अल्लाह करे वाकई में रोज कूड़ा अपना रेज्यूमे फेंके। ये मुझे यही है कि एक यू नो जिस तरह बच्चों को एक बार नहीं रोजाना 10 बार एक चीज दिखानी पड़ती है, फिर जाके एक आइडिया उनके दिमाग पर बैठता है। उसी तरह आप लोगों ने एक मार्केट को 6-6 हफ्ते साफ किया, फिर आपने जाके देखा कि लोग वहां पे कुछ बेदार हुए, वहां उधर के लोग कुछ बेदार हुए और उनसे आपको कुछ रिएक्शन मिला। इज दैट करेक्ट? यस डेफिनेटली। तो ये अवेयरनेस की कैंपेन आपकी नजर में बहुत 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 अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? ये कंटिन्यू होना चाहिए। वी शुड बार बार जाएं, हम वापस जाएं मार्केट्स में, क्योंकि यही हमारा, हम ये करते हैं कि 6 हफ्ते हमने लगा दिए। अब जैसे मेन मार्केट हम कर रहे हैं, हमने लगा दिए 6 हफ्ते पहले इन मई जून जुलाई, लेकिन हम अब वापस गए उधर देखने के लिए कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। ऊपर से अब तो गवर्नमेंट के साथ भी हम गए मॉनिटरिंग के लिए। एग्जैक्टली, मॉनिटरिंग है कितने लोग कर रहे हैं। हमने उनको कहा था, जैसे शॉपकीपर्स को, कि आप एक छोटा सा बिन रखें साथ अपने, जो भी कूड़ा होता है आपका उसमें डाल दें। तो हम वो भी चेक करने गए थे कि क्या वो कर रहे हैं, और ये वो सरप्राइजिंग कि जो बड़ी शॉप्स थी, ठीक है, आई वोंट टेक देयर नेम्स, लेकिन जो इन मेन मार्केट जो बड़ी शॉप्स हैं वो नहीं कर रहे, लेकिन जो वो गंडेरी वगैरह बेचे हैं, दे दोस पीपल आर डूइंग इट, जो फल बेच रहे हैं वो कर रहे हैं, दे हैव अ स्मॉल कंटेनर, वो हमें दिखा रहे थे ला ला के, देखे हमने रख लिया। अगली बार को मैं जरूर जाऊंगी, उन पकड़ेंगे उन बड़े।